विधानसभा चुनाव से पहले बाराबंकी से पुलिस ने अवैध शराब की एक बहुत बड़ी खेप बरामद की है। इसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ बताई जा रही है। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी भागने में कामयाब रहा है। बताया जा रहा है कि शराब की खेप का इस्तेमाल इलेक्शंस में होना था, वोटरों को लुभाने के लिए होना था, इसको खपाने के लिए इसीलिए तैयार थी। वह ऐसे ही जो है पकड़ी गई है और इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और एक हिस्ट्री शीटर इसमें भागा हुआ है, उसकी गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है, शीघ्र उसकी भी गिरफ्तारी होगी। नीरज, कहां से शराब लाई जा रही थी, कहां खपाने की तैयारी थी, उस वो जो एक शख्स फरार हुआ उसकी गिरफ्तारी हो पाई है कि नहीं? देखिए, शराब कहीं से लाई नहीं जा रही थी, ये वहीं से इसको बनाते हैंडमेड तरीके से ये नकली शराब जो है बनाई जा रही थी। इसमें टैंकर यूरिया, नौसादर और ड्रम, ये करीब 30 ड्रम स्प्रिट बरामद हुआ है और जो स्प्रिट से रिफाइंड एल्कोहल केमिकल जो बनाती है वो मशीन भी बरामद हुई है। तो इन सबको एक साथ बनाकर करीब 5 से 7 करोड़ रुपए की ये शराब बनाई जाती जो बाराबंकी पुलिस ने बरामद की है। बहुत बड़ी सफलता अगर कही जाए बाराबंकी, जो कि नशे का गढ़ भी कहा जाता है, वहां से ये पूरी पुलिस ने खुलासा किया है। एक आरोपी फरार है और 3 लोगों को पुलिस ने इस पूरे मामले में अरेस्ट कर लिया है और लोगों की गिरफ्तारी के भी प्रयास किए जा रहे हैं और लगातार छापेमारी जारी है। धन्यवाद जानकारी देने के लिए। आचार संहिता लागू है, इसीलिए पुलिस लगातार छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। कहीं से पैसे, कहीं से चुनाव में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री, कहीं से शराब को बरामद किया जा रहा है।